नमस्कार, मी सचिन मोरे, आपण पाहताय जनादेश वृत्तवाहिनी। पाहूयाच्या काही सविस्तर बातम्या। चंद्रशेखर स्वामी संस्थापक अध्यक्ष असलेल्या विश्वात्मक सामाजिक सेवा ट्रस्टच्या वतीने नवरात्र व दसऱ्याचे औचित्य साधून सत्यनारायणाच्या महापूजेचे आयोजन करण्यात आले होते। सायन पूर्व येथील विश्वात्मक सामाजिक सेवा ट्रस्टच्या कार्यालयात ही पूजा पार पडली। और चढ़े मेवा लड़ुवन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजा धारी। एक दंत दयावंत चार भुजा धारी। मस्तक सिंदूर सोए मोस की सवारी। जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड़ुवन का भोग लगे संत करे सेवा। लड़ुवन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश देवा। माता चकी पार्वती पिता महादेवा। या पूजेच्या वेळी विश्वात्मक सामाजिक सेवा ट्रस्टचे संस्थापक अध्यक्ष चंद्रशेखर स्वामी, त्यांच्या पत्नी गीता स्वामी व विश्वात्मक सेवा ट्रस्टचे सर्व पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते। विश्वात्मक सेवा ट्रस्टच्या माध्यमातून अनेक चांगले समाज उपयोगी कार्यक्रम राबवण्यात येतात। यापुढेही अशीच चांगली कामे या ट्रस्टच्या माध्यमातून घडावी। त्यातच सायन येथील विश्वात्मक सेवा ट्रस्टच्या कार्यालयाला 2 वर्ष पूर्ण झाली असल्याने ही पूजा करत असल्याचे चंद्रशेखर स्वामी यांनी या प्रसंगी सांगितले। आम्ही विश्वात्मक सामाजिक सेवा ट्रस्ट गेले 12 वर्षापासून काम करतोय आणि धारावी, मुंबई आणि सगळे जे आसपासचे परिसर आहेत, प्रत्येकाला हक्काचं घर मिळालं पाहिजे, अनाधिकृत बांधकाम थांबलं पाहिजे, महिलांसाठी बालकल्याण, महिलांसाठी चांगले चांगले प्रोग्राम झाले पाहिजेत, महिलांना मदत मिळाली पाहिजे, महिलांचं रिझर्वेशन झालं, प्रत्येक क्षेत्रामध्ये महिलांना मान मिळाला पाहिजे, तसेच सर्वसामान्य गोरगरीब जनता आहे त्यांना आकाशाचं घर मिळालं पाहिजे आणि असे अनेक वेगवेगळे असे मुद्दे आहेत, सामाजिक आहेत, त्याच्यासाठी आम्ही गेले काम करत आहोत। आणि ते काम करत असताना अनेक अडचणी पण येतात, पण तरी आम्ही चालतो आहे। आज 12 वर्ष झाले। हा या इथे जे आज आपल्या कार्यालयाचं जे पूजा होती, हे 2 वर्ष पूर्ण झाले म्हणून आपण इथं पूजा ठेवलेली आहे, कारण आपल्या सगळ्यांचा आशीर्वाद आहे, सगळ्यांचं प्रेम आहे, त्या प्रेमानेच आपण पुढेपर्यंत इथपर्यंत आलेलो आहोत। आणि आपलं नेहमी आहेत, प्रत्येकाचं सहकार्य आहे, इथे आता आलेले आहेत पार्टीचे कार्यकर्ते आहेत, वेगवेगळे नेते आहेत, सगळ्या लोकांचं सहकार्य आहे। विश्वात्मक सेवा से 10 साल से जुड़ी हुई मैं और हमारा काम जोर शोर से हो रहा है और ये अनलीगल कंस्ट्रक्शन है और बच्चे का मिसिंग है, वे सब हम लोग में कार्य काम करते हैं। हमारा 2 ऑफिस को ऑफिस चालू किया है, हमारा काम जोर शोर से चालू करने के लिए, ताकि हम लोग और लोगों से जुड़े और ऐसे बहुत सारे काम हैं जो हम लोग करना चाहते हैं, इसके लिए हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, आप लोग का सहकार चाहिए। उपस्थित नागरिकांनी विश्वात्मक सेवा ट्रस्ट राबवित असलेल्या कामाचे कौतुक करीत अशा प्रकारचे काम या ट्रस्टच्या माध्यमातून यापुढेही घडावी व त्यासाठी आमची सदैव त्यांना साथ राहील असे या प्रसंगी सांगितले। नमस्कार मॅडम, इसका जो संपादक है स्वामी जी, इनके साथ हम लोग 10-12 साल से जुड़े हैं। ये जो न्यूज़पेपर जो है, ये जो है धारावी का एक आवाज़ है। जो भी गलत काम धारावी में किया जाएगा, भले वो कोई भी रहने दो, उसका आवाज़ उठाने के लिए हमारे लिए या तो फिर पब्लिक के लिए कोई ना कोई चाहिए। पब्लिक डायरेक्टली जाता नहीं है किधर, और उनको सामने वाला समझो वजनदार या तो मसल पावर वाला है तो डरता है इंसान, तो उसके लिए इस जो पेपर के माध्यम से लोगों का बहुत बड़ा अच्छा काम सब हुआ है। जैसे कि इलीगल कंस्ट्रक्शंस वगैरह जो होता है धारावी में, जिसके लिए आवाज़ उठाना बोलेगा तो स्वामी जी का जो पेपर है उसी का माध्यम से होता है। सबसे पहले मैं आपके चैनल को नमस्कार करता हूँ कि जो आप सब मिलकर ये विषय के लेके आए और आप बताना चाहते हैं जनता को। हमारे स्वामी भाई है
आज 10-12 साल से काम कर रहे हैं। धारावी में विकास के लिए बहुत तैयारी चालू है, लेकिन कोई विकास करता नहीं है। इलेक्शन आते हैं, वादे आते हैं, वादे चले जाते हैं। आज धारावी में शौचालय जितने भी है सब पैसे पे बिके हुए हैं। 2 रुपया लेते हैं, अगर उसका हिसाब निकालेंगे तो एक दिन का शौचालय का कमाई 4,000 रुपया होता है। अगर हम महीने का निकालेंगे तो उसका हिसाब 50,000 क्रॉस हो जाता है। ऐसे करके धारावी में 5 साल से सबका बिजनेस चलता है। वहाँ की आमदार सब शौचालय के ऊपर निर्भर है। मेरा एक ही है कि धारावी डेवलप जल्द से जल्द होना चाहिए, और सबसे पहले 90 फीट रोड जो कटिंग है वो कटिंग पूरा होके क्लियर होना चाहिए। टाटा पावर जो झोपड़पट्टी है उसका सर्वे हुआ है, वो 2 साल से पहले हुआ है। मेरा कहना है कि कुछ लोग को पैसे की ज़रूरत पड़ती है, वो रूम बेच देता है, दूसरा आदमी लेता है, तो उसके नाम पे सर्वे कैसा होगा? इसका जांच होना चाहिए, जल्द से जल्द कार्यक्रम होना चाहिए। जैसा नेता आश्वासन देता है कि धारावी में धारावी स्टेशन बनने वाला है, वो आज 5 साल से आदमी बोल रहा है लेकिन अभी तक काम नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? उसका वजह स्थानीय आमदार को सोचना चाहिए, वो सोच के धारावी का विकास जल्द से जल्द होना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट साहिल उपाड़े सह कोमल डांगे जनादेश वृत्तवाहिनी करिता।